नमस्कार। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है 5 सितंबर को। देखिए, आज ही के दिन जो है ये प्रेस नोट जारी किया गया है। और इस प्रेस नोट में क्या कहा है, इसमें कहा गया है कि जितने भी कैंडिडेट जो हैं वो HAS के एग्ज़ाम, प्रेलिमिनरी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, जो कि 13 तारीख को कंडक्ट किया जाएगा, तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न के कारण जो है कुछ एग्जामिनेशन सेंटर जो हैं वो चेंज किए गए हैं। और ये एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो शिमला और हमीरपुर, इन दोनों जगहों पर जो है चेंज किए गए हैं। देखते हैं कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर हैं, ओल्ड एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा था और नया एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा था। सबसे पहले शिमला का एग्जामिनेशन सेंटर आता है, शिमला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शीतल कुंज कमला नगर संजौली में ये था। अभी इसका जो ये नया एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है, ये बनाया गया है राजकीय कन्या महाविद्यालय लॉन्ग वुड शिमला। तो ये जो है सेंटर 2 बनाया गया है यहाँ पर, और राजीव गांधी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटशिरा कॉलेज बनाया गया है इसके स्थान पर, ये नया एग्जामिनेशन सेंटर अभी ये बनाया गया है। देखिए, ये पहले तो आप फर्स्ट टाइम अगर चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये नोटिफिकेशन आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संजौली, इसको अब चेंज करके मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन नियर हलीपद अनाडेल, अनाडेल के समीप कहीं रखा गया है इसको मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तीसरा जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संजौली, ये सेंटर 1 था, ये सेंटर 2 है, ये भी आप देख लीजिएगा। अब देखिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संजौली जो है, यहाँ से HP कॉलेज ऑफ एजुकेशन हिमाचल प्रदेश मौजा मझेट एयरपोर्ट रोड 22 के समीप कहीं पर ये रखा गया है एजुकेशन कॉलेज में। और उसके बाद तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर जो आता है वो हमीरपुर का है, दी हमीरपुर पब्लिक स्कूल वार्ड नंबर 10 रामनगर हमीरपुर, इसको चेंज किया गया है गौतम कॉलेज ऑफ फार्मेसी वार्ड नंबर 10 नियर बस स्टैंड हमीरपुर। ये 4 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर चेंज किए गए हैं। इसके बाद अब कहा जाता है कि जो कैंडिडेट जिनको ये एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट हुए थे, वो फिर से अपना एग्जामिनेशन, नया एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पर जाकर अपना ID वगैरह डालकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उनको ये नोटिफिकेशन SMS, ईमेल वगैरह जो भी ये कहा गया है उसके द्वारा भी दी गई होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था जो आपको पता चला। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।